हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शिल्पी भारत होम्योपैथी से। अब हम एक और केस के बारे में डिस्कस करेंगे जो अस्थमा से लगभग 2 से 2.5 साल से सफ़र कर रहे थे। उनका नाम है दिलीप राम जी और उनकी एज जो है वो 42 साल के हैं और वो पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट लिया, यहाँ तक कि इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया, एलोपैथी लिया, होम्योपैथी भी यूज़ किया और आयुर्वेदिक भी लिया। उनको जब तक मेडिसिन वो लेते थे तब तक तो उनको इम्प्रूवमेंट रहता था, लेकिन जैसे ही वो मेडिसिन स्किप करते थे उनकी दिक्कत और बढ़ जाती थी। तो उन्होंने भारत होम्योपैथी में ऑनलाइन यहाँ पे कंसल्ट किया है और मात्र 5 महीने में उनको 99% इम्प्रूवमेंट मिल चुका है। अब हम उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं कि भारत होम्योपैथी में दिलीप राम जी की जर्नी कैसी रही। चलिए आइए डायरेक्ट उनसे हम मिलवाते हैं दिलीप राम जी से। जी दिलीप राम जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैडम। अच्छा, क्या एज है आपकी? मेरे ये 42 साल चल रहा है मैडम। 42 साल के, ठीक है जी। दिलीप राम जी, आप ये बताइए आपको अस्थमा की प्रॉब्लम कितने सालों से है? लगभग 2.5 साल हो गए, 2.5 साल तक हो गए। 2.5 साल से हो गए, ठीक है। आप भारत होम्योपैथी में आपने यहाँ पे कैसे कंसल्ट किया? ओ, जैसा कि मैं बहुत परेशान रहता था कि मुझे कैसे ठीक होना है, मुझे इतना ऐसा हार्ड वर्क करना है, तो ये सब चीजें मैं सोच करके मेरे को नींद नहीं आता था रात में। अस्थमा आप तो जानते हैं उसके बारे में, जिनको अस्थमा रहता है उनको रात को नींद नहीं आती है जी। तो मैं ऐसा ही मोबाइल देख रहा था, देखते देखते मैं बोला इंडिया में तो कहीं इसका इलाज तो जरूर होगा, अगर कितना भी लंबा होगा तो मैं वहां तक जाऊंगा। तो मैंने ऐसा देखते देखते इसपे आपका भारत होम्योपैथी का एक कॉल मुझे दिखाई दिया उसपे, है ना जी। तो मैंने वो कॉल नोट कर लिया। नोट करने के बाद मैंने सुबह 10-11 बजे मैंने कॉल किया तो आपके हॉस्पिटल में एक मनीष नाम के सर रहते हैं, डॉक्टर है जी, जी, जी। तो उनसे हमारा बात हुई तो उन्होंने हमारा पूरा ट्रीटमेंट लिया और बोले कि ठीक है आप जो मैं पूछ रहा हूँ वो हमको बताइए। तो मैंने सर आप मतलब जो प्रोसीजर था, हमको जो चीज हो रहा था मैंने उनको बताया, मुझे ऐसा होता है, मुझे इतना दिन से है, मैं बहुत परेशान हूँ सर। उन्होंने बोला घबराइए मत, आपका इलाज सही है, सही जगह फोन लगाए हैं। उसके बाद वो बोले कि ठीक है मैं दवा भेज रहा हूँ। बोला बिल्कुल भेजिए सर, मैं इधर रिसीव कर लूंगा। कुरियर के जरिए मैंने दवा लिया उनसे और आज ये मुझे 5 महीने हो गए दवा खा के, आज मुझे 99% मैं फिट हूँ जी। अच्छा, 2-2.5 साल से आपको अस्थमा था, ठीक है। और पहले आपने जैसे आपको यहाँ पे 5 महीने हो गए, बट 5 महीने पहले आपने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया था? 5 महीने पहले मैं एलोपैथी का दवा खाता था जी। तो जैसे एक बार में मुझे 1500-2000 की दवा देते थे वो लोग, तो जब तक मैं वो दवा लेता था ना तब तक मैं फिट रहता था। उसके बाद जब वो दवा मैंने छोड़ता था मैं मुझे ऐसा फील होता था कि मैं फिट ठीक हूँ, लेकिन मैं सोचू कुछ ज्यादा 1-2 दिन छोड़ के देखूं। छोड़ने के बाद जब मैं वो, फिर मेरा वही हाल होता था जो पहले होता था जी। उसके बाद फिर वो दवा मैंने स्टॉप कर दिया आयुर्वेदिक। कोई बोले कि आयुर्वेदिक दवा लीजिए उसमें इसका इलाज है, मैंने वो भी दवा लिया, लेकिन वो दवे से आयुर्वेदिक से मुझे 5% का फर्क मिला। फिर उससे भी वो भी बंद कर दिया। फिर तब जाके मुझे ये आपके भारत होम्योपैथी से मैंने 5 महीने ट्रीटमेंट किया, आज मैं जाकर के मैं 4 फीट और 99% मैं अच्छा हूँ। पहले मेरे चेहरे पे मुस्कान नहीं रहती थी, मैं ऐसा पूरा बिखरा बिखरा सा रहता था, मुझे चलने को ऐसा हिम्मत नहीं कर रहा था। आज मैं 6-7 मंजिल तक एक बार में जाता हूँ। वेरी गुड, जैसे आप 99% आप ठीक हो गए हैं, आपकी जो अस्थमा की प्रॉब्लम थी वो आपकी ठीक हो गई है। और भी कुछ हमारे जो अस्थमा के पेशेंट हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं,
और एलोपैथी ले रहे हैं और कहीं से होम्योपैथी की भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आप उनको अपना कुछ जर्नी के बारे में उनको डिस्कस किए, जो आपने बताया यहाँ पे जो आपने अनुभव किया, तो आप हाँ, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो भी आप मैं अपने तरफ से यही मैसेज देना चाहता हूँ, जितने भारत में हमारे अस्थमे का पेशेंट का भाई या बहन हो, वो कम से कम अपने ऊपर विश्वास रख करके एक बार वो भारत भूमि में जा करके अपना इलाज कराए। मुझे उम्मीद है कि उसे उनको बहुत फर्क मिलेगा और ठीक भी हो जाएंगे और हमेशा के लिए ठीक होंगे, जड़ से बीमारी खत्म हो जाएगी उनको, अगर भारत होम्योपैथी में एक बार विश्वास करके दवा खाएंगे। जैसे मैंने विश्वास किया उसे, उनको भी एक बार करना होगा, इसकी उनको जीना है तो। जी। अच्छा जी दिलीप जी, आप ये बताइए कि यहाँ से प्रॉपर आपका फॉलोअप वगैरह लिया जाता था? हाँ, हमको अच्छा हफ्ते में 2 बार कॉल आता था सर का, वो पूछते जी थे कि आप कैसे हैं, तो मैं उनको जो भी प्रॉब्लम रहता था तो उनको बताते थे, उस वो हिसाब से वो हमको ट्रीटमेंट किए। जी अब आप बिल्कुल खुश हैं? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल मैं खुश हूँ। ऐसे ही खुश जी, रहिए। जो जहाँ से जिनकी लाइफ मिल जाती है वो ठीक हो जाते हैं, तो उनको बहुत खुशी, हमें तो बहुत खुशी है मैडम कि मैं वहां से ठीक हो गया, है ना। जी क्योंकि हाँ, ये लाइफ में इंसान अगर खुश नहीं रहता है तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, धन दौलत कुछ भी नहीं है मैडम। मैं बहुत जी पैसा बर्बाद किया 2 साल में, लेकिन मैं पैसा के पीछे नहीं भागने वाला, नहीं, मेरी लाइफ है तो सब कुछ है। जी जैसे आप ठीक हुए, 99% ठीक हो गया, वैसे आपका 100% भी ठीक हो जाओगे। आपको जो चीज मना किया गया था डाइट के लिए कि आप ये चीज मत खाइए, वो सब कुछ हाँ आप खाना भी स्टार्ट कीजिए। आपको जो दिक्कत परेशानी थी वो अस्थमा की 100% क्योर हो चुका है, लगभग 99% है, 1% रह गया है, वो भी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है जी 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 जी, जो चीज बताया जाएगा बस उसे फॉलो कीजिए, और आपकी जो यहाँ की जर्नी रही, यहाँ पे जो डिस्कस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप जो और भी पेशेंट है अस्थमा से जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कहीं और नहीं पहुंच पा रहे हैं, मतलब हर जगह से ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहे, जरूर आपका मैसेज उन तक पहुंचेगा। और थैंक यू सो मच जो आप हमसे जुड़े रहे, धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना दिलीप राम जी से कि वो चल भी नहीं पाते थे, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी, वो बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए फिर भी वो ठीक नहीं हो पाते थे, और उन्होंने ऑनलाइन यहाँ पे कंसल्ट किया, ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, मात्र 5 महीने हो गए उनको ट्रीटमेंट होते हुए, उनको 99% इम्प्रूवमेंट मिल चुका है। उन्होंने अपनी पूरी जर्नी के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अगर आप भी अस्थमा से सफ़र कर रहे हो, बहुत सारे ट्रीटमेंट लिया बट आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, तो आप भी यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे दिलीप राम जी यहाँ पे ठीक हो गए हैं, वैसे आप भी ठीक हो सकते हो। तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप अगर ओपीडी में मिलना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्ट ओपीडी में भी मिल सकते हैं। अगर आप अस्थमा से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप भारत होम्योपैथी में कंसल्ट कर सकते हैं। नमस्कार।